वीडियो बनाए डेड बॉडी भी आ गई पिछो ल अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन तबस्सुम तो सारी पे मेरा यूट्यूब चैनल अली हसन तबस्सुम ऑफिशियल। आज की वीडियो स्टार्ट करूँ तो पहले सारे चैनल को लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो, तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करे सो ताकि सारी नई आने वीडियो तक बार वक्त बसानी पहुँच सके। आज की वीडियो बनाने का उनवान आ कि सारे अंदर इंसानियत क्या है और कितना इंसानियत को घेर चुके हूँ और इन्होंने चीज़ों का मुँह बोलता सबूत क्या है। तो थोड़ी जी गाल करे सो तहरीक अदम एतमाद के उत्ते तो हूँ कुन बाद अभी वीडियो खत्म करे सो। अज असा ब्लॉग क्या शेयर को स्टार्ट करें पे क्या शेयर को खत्म करें पे अज अपना ब्लॉग स्टार्ट करें इंसानियत के उत्ते क्योंकि एक छोटी जी वीडियो मैं डिठी हम सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी वायरल थी वही छोटी जी वीडियो। वो वीडियो यह आई कि एक चने वेचने वाला बंदा कहीं शादी की तकरीब के चने वेचने पाया तो अचानक कहीं बंद की जेब कतरी गई तो उन्हें आखिया कि यह बंदा जेब कतरा है उन्होंने को मार मारते उनको बंद को कतल कर दिता कि और बता बच्चा बंदा जो है त्रैक चार बच्चे का बाप है और अगर कोई पूछा वजे तो बच्चे ही शायद इंतजार करने पे खड़े हो सन कि असारा वाले साहब आउसे तो असारे वास्ते कोई रोजी पानी चाहते उसे तो असं खुश हूँ। लेकिन क्या है कि उन्होंने क्या पता कि सफाक बेदर्द बेरहम लोग उनको बेदर्दी के न बेरहमी के कतल करते सन। बड़ा अफसोस किया है, बड़ा इंतहाई अफसोस किया है कि यार असा इतनी इंसानियत कोई मतलब कि खत्म थी चुकी है कि एक एक तरफ वो बंदा फौत किया पे मरा मुआ पे तो दूसरी तरफ लोग बहते खाना खाते पे सुख में होती जी कहना छोटी जी क्लिप भी सुख में दिखा दिसा तो सुखो देखी क्लिप क्या थी पे ठीक है। और दूसरी गाल यह ठीक है दूसरी गाल यह है कि भाई असा मजहब है जरा इस्लाम असा मजहब क्या है इस्लाम है ठीक है। सा जो मजहब है इस्लाम है वो तो सबको दुश्मन की लाश के नाल भी बेहरमती कराने की इजाजत नहीं देना। कितनी यार इंसानियत खत्म थी गई कितना असं गिर चुके हूँ कितना असाडे हमदर्दी खत्म थी चुकी है कि खावण दे खावण को डफण को लगे पियूँ तो असा इन सी देखें एक बंदा वहाँ पे तो फौत था पे मुआ पे वन तो बंद कम अज कम हूँ कुछ देगी नहीं उनकी लाश के उ कपड़ा पे छा और लोग ही कोई इतना हयात शर्म भी कोई नहीं इतनी बेगैरती है इतनी बेशर्मी और उनकी इंतहा है कि लाश पिए थी तो बंदे खावण को लगे पे। देखो हमेशा पांच उंगलियां ना पांच उंगलियां कहें ये बराबर नहीं होते क्या पांच उंगलियां बराबर क्या नहीं होते रहने लेकिन जब खाने ला टाइम पर पांच उंगली कट्ठी थी रहने या गाल मैं या मिसाल है ये तो मैं एक क्या है पांच उंगली क्या होगी अक्सर असा मिसाल देते रहते भाई पांच उंगली बराबर नहीं होते रहने लेकिन जब खाने ला टाइम पर पंजी कट्ठी थी रहने तो गाल ये जो कुछ यार कुछ शर्म करो कुछ हया करो कुछ अपने इस्लाम का हजूर इस्लाम के उम्मती होवन का अपने अंदर हमदर्दी पैदा करो। अगर कहीं भलाई ना वे कर सकते तो कहीं बुराई भी ना करो ही वजह कहें कि बस दफा अख भी तो कन भी धोखा खा भी रहा कहें अखी ना देखो कने ना सुनो वल भी तुम तहकीक करो कि शायद ही दे बिहाइंड भी कोई रीज़न हो तो खुदारा 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 ये कम ना कि करो तुम कहीं गरीब को कहीं गरीब की जिंदगी तबाह करते हूँ एक बंदा सपोज कि अगर वहीं जेब कतरी भी है तो जो बंदा बगैरत इंसान तो सारा मुल्क लुट के खा गया है और लंडन को गया तो हूँ तो अपना फॉलोअर बढ़ी वो हूँ तो हूँ पिछले तुम फॉलोअर बढ़िया वो उतें तुम हयात शर्म नहीं हमें जरा पूरे मुल्क को सारे नस्लें को तबाह करते गए वो तो कुछ नहीं अगर एक बंदा जेब कतरी तो तुम कतल करते क्या यह गैरा तो ये हया है कुछ हया करो तो कुछ शर्म करो ठीक है अपने आप में रहो ठीक है। गाल है जो अगर हिंदी पता रीज़न क्या हिंदी रीज़न यह है कि असं दायरा इस्लाम को बिल्कुल बाहर थी चुको असा असा मगरबी माहौल इतना आ गया है कि असा इस्लाम को दूर थी चुको अगर जो मगरबी ममालिक उन्हें इस्लाम को अपनाया और अजू तरक्की याफ्ता ममालिक के अच्छा ही को बाद असर रुचि जी गाल करें पे तहरीक अदम एतमाद के तहरीक अदमाद के उ जो एक तुम कॉमन सेंस अपना लड़ाओ कॉमन सेंस ठीक है। नवाज शरीफ फजलुर रहमान जरदारी शहबाज शरीफ फजलुर रहमान ते जरदारी ये त्रै क्या है अलग अलग पार्टी का ताल्लुक रखे जी मैं गिरी मिसाल दी कि पांच उंगली एको जहाँ क्या नहीं लेकिन खाने ले टाइम पंज ही कट्ठे थी गए ये त्रई शैतान है अपनी चोरी को बचाने वास्ते ये त्रई कट्ठे थी गए ठीक है अपनी चोरी को बचाने वास्ते ये त्रई कट्ठे थी गए इन्हों को पता है कि असारी दाल नहीं गलनी ठीक है। अगर इन्हों को जब तक आवाम ना रिजेक्ट करे से तब तक जो कहना खान साहब अकेला क्या कर सकते हैं यार खान साहब को क्या जरूरत है कोई जरूरत है उनको अच्छा खासा अमीर पढ़ा लिखा और उनको मतलब बिलीनियर फैमिली का ताल्लुक रखने वाला बंदा हूँ क्या यार दो दो टके लोग हैं नवाज शरीफ क्या पढ़ा लिखा क्या खा की को नियमता हूँ कुछ भी क्या नियमता ना नवाज शरीफ हूँ ना शहबाज शरीफ हूँ इतने असा कुछ जो ना क्या करने वास्ते खराब करने वास्ते तुम अगर ही शायद को देखो ना पॉलिटिक्स है क्या शायद सियासत है क्या आवाम तुम फिल्म को ना देखते आवाम को किएँ वर्ग लेंदे सियासतदान अपने इस्तेमाल वास्ते आवाम उसे दू टके एक रोटी सारे जब बेवकूफ पढ़ा रहे यार कुछ शुरू अपना कुछ अपना ख्याल करो अपने मुस्तकबिल का ख्याल करो अपनी फैमिली का सोचो अपने बालें के मुस्तकबिल का सोचो अगर तुम अज फैसला ना करे सो तो ता हयात गुलामी च रहो और गुलामी जिंदगी गुजरे सो अज फैसला करने का नहीं है तुम कप्तान के नाल खड़े थी सो तुम्हारी जिंदगी बढ़ रहे से अगर तुम अमेरिका की गुलामी चाहते हो मगरबी ममालकें तुम गुलामी चाहते हो तो वाल घटिया बदकार बदतरीन बेहया किस्म के मुला जो फजलुर रहमान थी उन्होंने तुम साथ दियो अगर गुलामी चाहते हो अगर तुम आजादाना जिंदगी गुजारना चाहते हो
तुसा खान साहब सारे वो जी इस्लाम दी इस्लामोफोबिया है हजूर सलाम की मतलब गुस्ताखी ये खत्म करने वास्तव जितने बड़े अहम इकदाम किए मिस अगर वो बंद को जानवी देनी पे तो बिस्मिल्लाह पढ़ते दे दियो ठीक है क्योंकि वो बंद सच थे और हक थे जो बंद हक सच का साथ देंदा अल्लाह ताला कदों भी अकेला नहीं छोड़ेगा उम्मीद है तुसा मेरी गल समझिए सो मैं कोई इतना बड़ा फिलोसफर को नहीं हाँ जरा मैं तुम समझे बस एक छोटा जहा मैसेज देते मैं अपने विरामे को मैं अपने व्यूवर को ताकि वो ही शायद को लेकर कुछ तो समझ दें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।